जुजुत्सु कैसन मांगा चैप्टर 227 के लीक्स फाइनली आ चुके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वाले चैप्टर के अंदर हमको गोजो का कोई भी जिक्र नहीं करा गया है। लेकिन इस वाले चैप्टर के अंदर हमको सुकुना के फाइनल फॉर्म को दिखाया गया है और साथ साथ हमको कुशिमो के पावर्स की थोड़ी सी झलक देखने को मिली है। तो चलो बिना कोई टाइम गवाए चलते सीधा अपने वीडियो की तरफ। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर के एंडिंग में देखा था कि गोजो के हारने के बाद में सुकुना से लड़ने के लिए अभी थंडर गॉड कुशिमो बैटलफील्ड के अंदर उतर चुका है, लेकिन इस बार कुशिमो अकेला बंदा नहीं था जो कि बैटलफील्ड के अंदर उतर चुका है। यहाँ पर कुशिमो के साथ साथ यहाँ पे उरामे भी बैटलफील्ड के अंदर उतर चुके हैं, मतलब यहाँ पर अभी दुनिया भर की तबाही मचने वाली है। उरामे के बैटलफील्ड के अंदर उतरने के बाद ही वहाँ पर केंजी भाई साहब उरामे को चैलेंज दे देता है, क्योंकि उसने किसी से प्रॉमिस करा था कि वो जब तक जिंदा रहेगा वो उरामे को जिंदा नहीं रहने देगा। और इतना कहने के बाद ही केंजी अपना डोमेन ओपन कर देता है, लेकिन उसके डोमेन को काउंटर करने के लिए वहाँ पर उरामे अपनी आइस फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देती है, लेकिन वहाँ पर हकारी के डोमेन की रेडियस कुछ ज्यादा होने की वजह से उसके अंदर उरामे फंस जाती है। लेकिन इस वाले चीज से उरामे को वहाँ पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने जो आइस फॉर्मेशन से बर्फ बनाया था उसके अंदर सुकुना का मेन वेपन था। एक तरीके से उरामे वहाँ पर डिलीवरी सर्विस का काम कर रहा था। जैसे ही उरामे के आइस फॉर्मेशन का बर्फ नीचे नीचे जाता है, उसके अंदर से सुकुना अपना कर्स्टूल बाहर निकाल लेता है। जैसे ही सुकुना के पास में अपना कर्स्टूल आ जाता है, वैसे ही वो कुशिमो के ऊपर एक इलेक्ट्रिक अटैक कर देता है। वहाँ पर बोलता है गुड ओल्ड टाइम्स। ऐसा लगता है कि यहाँ पर सुकुना अपने कर्स्टूल को कुछ ज्यादा मिस कर रहा था। सुकुना के इतने पावरफुल इलेक्ट्रिक अटैक के बावजूद वहाँ पर कुशिमो को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि कुशिमो खुद एक इलेक्ट्रिक अटैक यूजर है। इसलिए वहाँ पर कुशिमो का नाम पड़ा है थंडर गॉड कुशिमो, क्योंकि उसके अटैक सारे इलेक्ट्रिकल ही होते हैं। सुकुना के अटैक को वेस्ट करने के बाद में वहाँ पर कुशिमो सुकुना से एक सवाल पूछता है। वो बोलता है सुकुना क्या तुम स्ट्रॉन्गर बने हो या तुम पैदा ही स्ट्रॉन्गर हुए थे? उसका जवाब देते हुए सुकुना बोलता है कि ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं एक अनवांटेड चाइल्ड था। उसके बाद कुशिमो सुकुना से और एक सवाल पूछता है, जिसका आंसर देते हुए सुकुना अपने वेपन को अपने सर के ऊपर टैप करता है, बोलता है कि तुम टाइम वेस्ट मत करो, सीधा फाइट करो। सुकुना के इतना कहते वहाँ पर कुशिमो सीधा सुकुना के ऊपर चार्ज करके उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है, लेकिन वहाँ पर सुकुना उसके अटैक को इजीली ब्लॉक कर देता है। सुकुना के अटैक ब्लॉक करते वहाँ पर कुशिमो एकदम से पीछे जंप करता है, अपना डिस्टेंस मेंटेन करके अपनी कर्स टेक्निक एक्टिवेट कर देता है। इस टेक्निक का यहाँ पर नाम है गेंजू कोहशाको, जिसका मतलब होता है फैंटम बीस्ट एम्बर। कुशिमो के अपने टेक्निक को एक्टिवेट करने के बाद में एकदम से वो सुकुना के सामने क्लोजिंग करता है और उसके मुंह के ऊपर कुछ ज्यादा ब्रूटल पंच मार देता है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुशिमो किसी बीस्ट के अंदर ट्रांसफर हो रहा है, जहाँ पर अपनी कर्स एनर्जी का यूज करके किसी भी बीस्ट के अंदर ट्रांसफर हो सकता है। एक टाइप से यहाँ पर कुशिमो की बॉडी पूरी तरीके से ट्रांसफर हो रही थी। जैसे उसका मुंह ट्रांसफर हो जाता है, वो अपने मुंह से एकदम से ब्लास्ट टाइप अटैक सुकुना के ऊपर लैंड कर देता है। दो अटैक करने के बाद भी यहाँ पर कुशिमो तो रुकने वाला नहीं था, एकदम से उसने अपना दूसरा पंच सुकुना के मुंह के ऊपर दे मारा। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुशिमो की कर्स टेक्निक की वजह से उसकी स्ट्रेंथ और उसकी स्पीड काफी ज्यादा गुना बढ़ चुकी है, इसलिए वो सुकुना के ऊपर अपने अटैक लैंड कर पा रहा है। लेकिन इस वाली कर्स टेक्निक को यूज करने के लिए यहाँ पर कुशिमो ने अपनी बॉडी को ही सैक्रिफाइस कर दिया है। जब तक उसकी कर्स टेक्निक रहेगी तब तक वो जिंदा रहेगा, जैसे उसकी कर्स टेक्निक खत्म हो जाएगी वो भी खत्म हो जाएगा। यहाँ पर सुकुना कुशिमो से इतना ज्यादा परेशान हो गया था कि उसको अपने फाइनल फॉर्म के अंदर आना पड़ा। लेकिन यहाँ पर नरेटर हमको बोलते हैं कि सुकुना के पास भी अपनी फाइनल फॉर्म को रिवाइव करने की टेक्निक तो है, लेकिन जब तक वो अपनी टेक्निक का यूज करता रहेगा वो अपनी फाइनल फॉर्म के अंदर अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक बिल्कुल भी यूज नहीं कर पाएगा। इसका मतलब यहाँ पर उसके पास में अपना फाइनल फॉर्म तो आ चुका है, लेकिन जब तक सुकुना अपने फाइनल फॉर्म के अंदर रहेगा वो अपनी हीलिंग एबिलिटीज को यूज ही नहीं कर पाएगा। और इसी लास्ट पैनल के साथ अपना जुजुत्सु कैसन का चैप्टर 237 खत्म होता है। इस वाले चैप्टर को देख के थोड़ा सा सैड भी लग रहा है, क्योंकि इस वाले चैप्टर के अंदर हमको गोजो के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन दी नहीं गई है। होपफुली नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हमको गोजो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो चलो गाइज, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।